माघ पूर्णिमा स्नान पर हरिद्वार के गंगा घाटों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। आज शनिवार को कुंभ साल का चौथा स्नान है। सभी स्नानों में सबसे अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसकी वजह धार्मिक आस्था के साथ वीकेंड और तापमान बढ़ना भी बताया जा रहा है। वहीं आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई। हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड, सुभाष घाट, गौ घाट से लेकर शहर के आबादी वाले इलाकों गोविंदपुरी, प्रेमनगर, आश्रम, विश्वकर्मा, दुर्गा घाट आदि घाटों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। बता दें कि करीबन 3:30 बजे से ही श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाटों पर पहुंच गए थे। आपको बता दें कि मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है। गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना से बचाव के लिए बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, माघ पूर्णिमा स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए हरिद्वार में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। वहीं 28 फरवरी की शाम तक शहर के अंदर भारी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों के लिए अस्थायी पार्किंग बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरिद्वार, नवोदय टाइम्स।